नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस भर्ती 2020 को लेकर एक बड़ी अपडेट लेकर आया, क्योंकि एनसुरकी के बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो इस बार की कितनी रहने वाली है? क्या इस बार भी 2019 से जो कट ऑफ गई थी उससे क्या ज्यादा कट ऑफ रहेगी? टोटल इस बार कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है और इस बार की जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी होगी वो कितनी होगी? साथ ही अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर आपके कितने नंबर तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बनने वाले हैं, तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। साथ ही कब तक आपका रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि आंसर की के बाद में कितने दिनों बाद में एसएससी की तरफ से ये रिजल्ट आपका जारी किया जाने वाला है, उसके बाद में आपका टीयर टू भी होने वाला है, तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली एसएससी एमटीएस भर्ती 2020 से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस बार टोटल फॉर्म कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि 2019 में जो आपकी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई थी उसकी और 2020-21 की जो आपकी वैकेंसी है उसमें यहां पर बात करें तो लगभग 2019 की वैकेंसी में लगभग 17 से 18 लाख के लगभग कैंडिडेट थे जो अपीयर हुए थे, मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया था। लेकिन इस बार का जो एसएससी एमटीएस का आपका एग्जामिनेशन है अगर उसकी बात करें तो काफी ज्यादा कम, अगर बात करें तो 2 से 2.5 लाख कैंडिडेटों ने इस बार कम एग्जाम दिया है, लगभग 15 लाख के लगभग ही कैंडिडेट इस बार अपीयर हुए हैं एसएससी एमटीएस टीयर फर्स्ट के लिए। और यहां पर अगर बात करें कि वैकेंसी की बात करें तो 2019 की जो आपकी वैकेंसी थी वो लगभग दोस्तों 9 से 10 हज़ार के लगभग वैकेंसी थी, और इस बार की जो वैकेंसी है वो भी अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 हज़ार के लगभग आपको वैकेंसी मिल जाएगी। दोस्तों आपकी आंसर की आ चुकी है, और आंसर की के साथ में अगर हम बात करें तो इस बार की जो पेपर का लेवल था 2019 के पेपर के लेवल से कंपेरिजन करें तो इस बार का पेपर का लेवल भी हार्ड था। साथ ही दोस्तों बात करें पेपर के लेवल के साथ ही इस बार टोटल जो अपीयर होने वाले कैंडिडेट है उनकी संख्या भी कम है। साथ में दोस्तों एक बार आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, जिसके कारण भी दोस्तों कोविड के चलते काफी ज्यादा कैंडिडेट तैयारी नहीं कर पाए, काफी ज्यादा कैंडिडेट दूसरी जगहों पर सेंटर आया उस कारण भी वो एग्जाम नहीं दे पाए, अपनी स्टडी पर सही तरीके से फोकस भी नहीं कर पाए, तो इस बार का जो कट ऑफ है वो काफी कम आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ की बात करें कि लगभग अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं, कट ऑफ हो सकता है इससे कम भी रह सकती है, लेकिन एवरेज अगर इसके आसपास आपके नंबर है तो आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं, क्योंकि भी आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ने हैं। तो यहां पर सबसे पहले कैटेगरी वाइज हम बता देते हैं आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 61+ का अगर आपका स्कोर बन रहा है रो मार्क्स, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, अगर आपके पेपर का लेवल हार्ड था तो आपके नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और अगर आपके दोस्तों 58+ स्कोर बन रहा है तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और अगर आपका स्कोर है वो 54+ के लगभग बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके अलावा एसटी के जो कैंडिडेट है उनका 52 तक अगर स्कोर बन रहा है, 52+ अगर स्कोर बन रहा है तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो दोस्तों इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो स्टेट वाइज जाएगी, बहुत सारे स्टेट ऐसे होंगे जिनकी कट ऑफ इससे भी कम आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का जो आपका स्कोर होगा वो भी आपको बताया जाएगा, जिन पारियों में पेपर का लेवल काफी ज्यादा टफ था उनमें नॉर्मलाइजेशन में भी आपकी काफी नंबर बनने वाले हैं। बात करें तो 10 से लेकर 15 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं, तो अगर आपके पेपर का लेवल थोड़ा काफी ज्यादा हार्ड था तो आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके आंसर की के बाद में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि पूर्णतः एनालिसिस के बाद में एक नई स्टेट वाइज भी हम कट ऑफ जल्दी आपके सामने लेके आने वाले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।